हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, संडे आ चुका है, ना चुका हमारा Q&A वीडियो। सो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 260 में आप सभी का स्वागत है। ये सबके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला, बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछे शहजाद असलम, ये बोलते हैं ब्रो, वीवो X80 बेस रेंट 35,000 रुपीज़ में इनको मिल रहा है 6 मंथ वारंटी के साथ में, इज इट वर्थ टू बाइंग या बोल रहे या फिर वेट करूँ, माई प्रायोरिटीज आर कर्व डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस एंड बजट है इनका 40K। तो देखो, डील तो आपको ठीक ठाक मिल रही है 35,000 रुपीज़ में, बुरी डील नहीं। अगर उसकी कंडीशन वगैरह न्यू जैसी है डेफिनेटली देख सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रही कि अगर आप 40,000 रुपये तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई नए स्मार्टफोन का वेट करो, जनवरी तक के वेट करो। कर्व डिस्प्ले के साथ में तगड़े फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, तो 1 से 1.5 महीने का मैं बोलूंगा वेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर निखिल सावला पूछते हैं, एनी फर्दर अपडेट ऑन नॉट 3 लॉन्च टाइमलाइन, एज पर लीक इट इज कमिंग विद डायमेंसिटी 8200 एंड 5000 mAh बैटरी एंड योर व्यू ऑन GT Neo 5 स्पेसिफिकेशन। तो नॉट 3 के SSD तो यहां पर लीक वगैरह नहीं है कि कब तक देखने को मिलेगा, दिसंबर जनवरी में तो लाइक इंपॉसिबल है, फरवरी मार्च अप्रैल के अराउंड आपको देखने को शायद मिल जाए। एंड डायमेंसिटी 8200 के साथ में मुश्किल लग रहा है यार, मतलब वन प्लस वाले 28-30 हज़ार रुपए की रेट में ये स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे, एंड वो प्राइस पॉइंट पे वन प्लस अगर ये चिपसेट दे देते हैं तो उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन बहुत कम बिकेंगे, तो शायद ये चिपसेट के साथ में आपको देखने को ना मिले। हाँ, बैटरी लाइफ 5000 mAh मिल सकती है। एंड अगर हम बात करें GT Neo 5 स्पेसिफिकेशन, अभी के लिए यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग वगैरह वो काफ़ी तगड़ी लग रही है, वैसे और स्पेसिफिकेशन पता चलते तब मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर क्रेजी राहुल, ये बोलते हैं यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले वर्सेस कर्व डिस्प्ले, सर कर्व डिस्प्ले ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में कैसी होती है, क्या हमें कर्व डिस्प्ले लेना चाहिए या फ्लैट डिस्प्ले ठीक ठाक है? तो देखो, फ्लैट डिस्प्ले एंड कर्व डिस्प्ले अगर आप दोनों इस्तेमाल करते हो, पर्सनली मुझे कर्व वाला स्लाइटली बेटर लगता है, लेकिन हाँ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो कर्व डिस्प्ले जल्दी टूट जाता है, बिकॉज साइड से भी राउंड रहता है, इम्पैक्ट वगैरह जो साइड पर भी हल्का सी पड़ जाता है, पूरा डिस्प्ले खराब हो जाता है। जबकि जो फ्लैट डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन है वो साइड से गिरते हैं तो यहाँ पर डेंट वगैरह आता है, तो ये चीज़ आपको संभालना पड़ती है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद आते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगाओ, एंड जो थोड़ा रेज वाला कवर रहता है ना, ऊपर से उठा हुआ रहता है, उसके साथ में इस्तेमाल करो, कर्व डिस्प्ले चलाने का मजा ही कुछ और है। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ इंडिया, ये बोलते हैं हैप्पी संडे आसिफ भाई, आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी संडे। एंड ये बोलते हैं क्यों फ्लैगशिप हाई प्राइस के मोबाइल में 12+12+5 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, जबकि मिड रेंज प्राइस पॉइंट जो 20,000 रुपए के फोन आते हैं उसमें 64+8+2 होता है, विच इज बेस्ट और क्यों फिक्स करते हैं मोबाइल कंपनीज, और गुड एंटूटू स्कोर होना जरूरी है क्या मोबाइल खरीदते वक्त देखना? तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता है, मैं पहले भी बोलता था अभी भी बोल रहा हूँ, पोस्ट प्रोसेसिंग कंपनी कैसी करती है, सेंसर्स क्या इस्तेमाल करे, OIS है नहीं है, पूरा उस पर डिपेंड करता है। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि 12 मेगापिक्सल बेकार है, 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल बहुत बढ़िया रहेंगे। आप आईफोन में भी देख लो, अभी उनका भी मेगापिक्सल वगैरह बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर आप 1-2 साल पुराने वाले आईफोन देखोगे 12 मेगापिक्सल पे अनबिलीवेबल वाली क्वालिटी देते हैं, तो उनका मतलब बेसिकली नंबर वाला गेम रहता है। मिड रेंज में कैसा रहता है, लोग इतने ज़्यादा नॉलेज बहुत सारे लोग को नहीं रहती है, एंड नंबर गेम, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दे देते, लोग बोलते यार 108 मेगापिक्सल क्लैरिटी ये वो रहती है, इसके हिसाब से मतलब आप बोल सकते हो बेसिकली मार्केट में रहने के लिए वो लोग करते हैं। एंड साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर एंटूटू स्कोर देखना ज़रूरी है क्या कोई भी फ़ोन खरीदने से पहले, तो एंटूटू स्कोर बेसिकली क्या करता है, आपके जो फ़ोन का जो प्रोसेसर है उसकी सबसे मैक्स परफॉर्मेंस कहाँ तक के वो कर सकता है वो देखने के लिए रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंटूटू स्कोर देख के लेना चाहिए, हाँ बट स्टिल अगर आपको शौक है एंटूटू स्कोर मतलब मेरा फ़ोन कैसा परफॉर्म करेगा, जो फ़ोन आपको खरीद रहे हैं वो कैसा परफॉर्म करेगा, हाँ लेकिन एंटूटू स्कोर देख के एक चीज़ तो पता लग जाएगी कि आपका फ़ोन की परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर KKC बोलते हैं, बेस्ट टाइम फॉर बाइंग इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G इन बेस्ट प्राइस इन दिस मंथ। तो मैं बोलूँगा अगर आपको इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन परचेस करना है, ईयर एंड सेल का वेट करो, दिसंबर की लास्ट या न्यू ईयर के टाइम पे जो सेल आएगा उसमें शायद जो आपको प्राइस पॉइंट ड्रॉप होते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर रनक YT, ये बोलते हैं हाय आसिफ भाई, Realme 10 Pro में जो 20K में वापस Snapdragon 695 मिला है, इसे 15 से 20 सेगमेंट में कोई ऐसा फोन आ सकता है क्या जिसमें 60fps वाली गेमिंग, 4K 30fps वाली रिकॉर्डिंग विद अल्ट्रा वाइड लेंस कॉम्प्रोमाइज के साथ, वो भी एक्चुअल प्राइस में विद अ प्रोसेसर लाइक Dimensity 900? तो मैं बोलूँगा अब भाई इतनी सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, Redmi Note 12 Pro एंड Redmi Note 12 Pro Plus का वेट करो, ये मोस्टली आपकी 2 से 3 चीज़ जो है वो स्मार्टफोन पे शायद आपको देखने को मिल जाए। वैसे भी वो जनवरी की स्टार्ट में लॉन्च होने वाली है, 20,000 रुपये में प्रो वाला वेरिएंट शायद आपको देखने को मिले, तो मैं बोलूँगा उसका वेट आप
कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर विजु भाई, ये बोलते हैं रेडमी नोट 12 5G की स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी इंडिया में। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी कल वीडियो डाले थे, चैनल पे देख लेना और डिटेल में बताओ। वैसे यहाँ पर बता दूँ 15 से 16 हज़ार रुपये में रेडमी नोट 12 5G का जो वेनिला एडिशन है बेस वेरियंट वो यहाँ पर बताया जा रहा स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुरती अब्बास अली पूछते हैं रियलमी 10 सीरीज क्या ओवर प्राइस है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, ये Realme 10 Pro 5G मेरे पास ये 18,000 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले तो अनबिलीवेबल टाइप का आप इसमें कह सकते हो, मतलब जो बेजल्स इतने कम है ना, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली डिजाइन एंड डिस्प्ले। हाँ, परफॉर्मेंस डिसेंट है, बैटरी लाइफ डिसेंट है, फास्ट चार्जिंग है, कैमराज वगैरह जो प्राइमरी सेंसर है वो ठीक है। तो 18,000 रुपये में ये मुझे ठीक लगा, लेकिन जो प्रो प्लस वाला है डेफिनेटली 24,000 रुपये में मुझे वर्थ लगा। कर्व डिस्प्ले, एमोलेड 120Hz, मतलब फ्लैगशिप ग्रेड की एक दो चीज़ें डाल के दी गई है। हाँ, OIS नहीं दिए, वो एक अलग चीज़ है, बट स्टिल ओवर प्राइस तो नहीं कह सकते हो, डिसेंटली प्राइस आप कह सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं विल रेडमी नोट 12 सीरीज बीट रियलमी 10 सीरीज, रियलमी विल फ्लॉप बैडली। तो लॉन्च हो जाने दो, आपको कंपैरिजन वीडियो बना के बताऊंगा कि रियलमी 10 सीरीज बेटर है या रेडमी नोट 12 सीरीज बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राउडी राठौड़ पूछते हैं सर रेडमी नोट 12 5G सीरीज इंडिया में कब लॉन्च होगी, इसका वेट करना चाहिए क्या। तो Redmi Note 12 5G सीरीज 5 जनवरी को बताया जा रहा है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। एंड वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली वेट करना चाहिए अगर आपका 15 से 25,000 रुपये का बजट है तो। नेक्स्ट यहाँ पर मोहम्मद निहाल, ये बोलते हैं कैन आई बाई सेकेंड हैंड आईफोन एंड इज इट सेफ, वॉट थिंग टू लुक आउट फॉर। तो आपको पहली बात तो बॉडी चेकआउट करना पड़ेगा, डेंट वगैरह देखो, साथ ही में बैटरी हेल्थ कितनी है एंड यहाँ पर कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, स्मार्टफोन चला के देखो आपको पता लग जाएगा। एंड क्या सेकेंड हैंड लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा सेकेंड हैंड लेने से बेटर है बिबड़ी सेल वगैरह का या जो भी थोड़े बहुत एप्पल के जो बड़े वाले सेल आते हैं उसमें वेट करो, नया आईफोन लो। मतलब एक बार अगर आपको आईफोन अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है मेरे हिसाब से आपको नया लेना चाहिए ना। अगर आपका बजट मतलब बहुत ज़्यादा टाइट है, सेकेंड हैंड में कोई अच्छी डील मिल रही है अच्छी बैटरी हेल्थ के साथ में एंड अच्छी कंडीशन में फोन वगैरह खुला हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली आप सेकेंड हैंड भी देख सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टैग बर्नर, ये बोलते हैं रियलमी GT Neo 3T 20K में कब आएगा और एक्सचेंज ऑफर के साथ। तो मैं अगेन बोलना चाहूँगा रियलमी GT Neo 3T आप देख सकते हो हमारे पास में भी, ये काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन है, ये बताया जा रहा है वही ईयर एंड सेल के आसपास शायद ऑफर में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन 20,000 रुपये में आना मुश्किल है, वो अराउंड 22,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं SM सुमित टैग, बोलते हैं सुनने को मिल रहा है कि रेडमी नोट 12 4G वेरिएंट हीलियो G99 प्रोसेसर के साथ में आएगा और 15,000 में क्या इसमें कैमरे में अपग्रेड होगा अदर देन नोट 12 5G वेरिएंट। तो देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं जो 5 जनवरी को जो रेडमी नोट 12 5G सीरीज लॉन्च होगी, 3 स्मार्टफोन मिलेंगे 12 5G, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G। जो 4G वाला वेरिएंट है ये शायद आपको यहाँ पर 5 जनवरी को लॉन्च होते हुए नहीं देखेगा, मे बी शायद फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिल जाए हीलियो G99 के साथ में, तो वो अभी आना फिलहाल के लिए मुश्किल है। एंड डेफिनेटली अंडर 15,000 या आप बोल सकते हो 13-14,000 रुपए की रेट में देखने को मिल सकता है। एंड 12 5G एंड 4G अगर आप देखोगे कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का रहेगा, ज्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलने वाला है, बस 4G 5G का थोड़ा डिफरेंस रहेगा एंड थोड़ा बहुत आपको फास्ट चार्जिंग में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये ओवरऑल यहां पर आपने धमाकेदार क्वेश्चन पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हो, कोई क्वेश्चन छूट गया कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी क्या अगर आपके माइंड में आए तो जेको के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।